नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके कंप्यूटर के एथरनेट का जो पोर्ट है वहाँ पर येलो शाइन का आइकन आ रहा है तो आपने उसको कैसे फिक्स करना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने अपने डेस्कटॉप का मेन स्क्रीन खोल दिया और ये नीचे देखिए मेरा येलो साइन आ रहा, मींस मेरी केबल तो कनेक्टेड है बट मेरा नेट काम नहीं कर रहा। तो देखिए, मैं इंटरनेट ब्राउज़र में जाता हूँ और वहाँ पर एक एड्रेस सर्च कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको ये इसलिए कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि मेरा नेट नहीं चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरा नेट वर्किंग नहीं कर रहा है। देख लीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर कांट डिस्प्ले द वेब पेज। ओके, तो मैं भी इसी पेज में भी देखिए दूसरे बार रिफ्रेश कर रहा हूँ तो तब भी यही ऑप्शन आ रहा है। तो देख लीजिए, सेम वही ऑप्शन है, जो पीले कलर का साइन है ट्राइंगल, वो अभी भी आ रहा है इसमें। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, नेटवर्क में जाके आपने प्रॉपर्टीज़ में जाना है, प्रॉपर्टीज़ में आपने चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाना है और लोकल एरिया कनेक्शन में आपने राइट क्लिक करना है और उसकी भी आपने वहाँ पर जाके आपने जो एनेबल है उसको डिसेबल कर देना है। तो डिसेबल करते ही देखिए रेड साइन आ जाएगा यहाँ पर और इसको दोबारा आपने एनेबल कर देना है। तो देखिए, मैं एनेबल कर रहा हूँ और ये एनेबल्ड हो गया। देखिए, नीचे बूट हो रहा है, मेरे बूट हो रहा है अभी, ये जो मेरा एथरनेट का जो साइन है यहाँ पर बूट हो रहा है। तो देखते हैं अभी बूट हो के कि ये सही होता है नहीं होता है। मैं आपको 2-3 प्रोसीजर इसमें बताऊँगा जिससे कि हो सकता है कि आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मोस्टली इन ये 3 अगर आप स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो आपका जो प्रोसीजर है वो आप मीन्स आपका नेट कंटिन्यू कर सकते हैं आप। देख लीजिए, आपने कुछ नहीं करना है। देखिए, फिर से यही इशू आ गया है और यहाँ पर मेरा फ़िलहाल बूट ही चल रहा है। मैं दोबारा अभी एक वेब एड्रेस डाला है, मैं अभी दोबारा खोलता हूँ तो देखिए दोबारा सेम एड्रेस नॉट वैलिड बोल रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर मीन्स मेरा नेट काम नहीं कर रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए कुछ एक स्टेप्स आपने फॉलो करना पड़ेगा। तो आगे मैं अभी आपको इन स्टेप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। देख लीजिए, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आइडेंटिफाइंग नो इंटरनेट एसेस बोल रहा है और ये दोबारा देखिए ये जो मेरा येलो साइन है दोबारा आ गया, मींस मेरी लैन केबल तो कनेक्टेड है, नेट भी एक्टिवेटेड लेकिन मैं चला नहीं पा रहा हूँ। तो आपने इस ऑप्शन में राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है जो लोकल एरिया कनेक्शन वाला है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पर आपने IPv4 और IPv6 दोनों में देखना, आपने अगर टिक मार्क नहीं है तो टिक मार्क कर देना, अगर टिक मार्क है फिर भी नहीं चल रहा तो आपने कॉन्फिगर में जाना, देखिए ऊपर बटन। तो यहाँ पर जनरल में आपको दिखा रहा है दिस डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली, तो आपने एडवांस में जाना है। एडवांस में जाके आपने सेकेंड नंबर का मेरे उसमें ऑप्शन दिखा रहा है लिंक स्पीड एंड डुप्लेक्स मोड, इसको आपने चेंज करना है और किसी में भी चेंज करना है। फिलहाल देखिए, मैं इसको 10 Mbps हाफ डुप्लेक्स में कर रहा हूँ तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है। देखिए, और नीचे मेरा यहाँ पर देखिए, मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर मेरा ये काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं भी आपको देख लीजिए, देखिए अभी मैं आपको अपने ब्राउज़र में जाके एक वेब एड्रेस खोल के दिखा देता हूँ। देखिए, मैं जा रहा हूँ अपने ब्राउज़र में, तो देखिए ये मेरा गूगल का होम पेज खुल गया। अभी देखिए ये मेरा काम करने लग गया। अभी मैं यहाँ पर आपको कुछ सर्च करके दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर हेलो सर्च कर दिया तो देखिए मेरा ये आ गया यहाँ पर। अभी मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, लेकिन थोड़ा मेरा नेट का स्पीड कम है तो हो सकता है ये वीडियो ना खुले, लेकिन सर्च कर रहा है और नीचे येलो साइन जो है वो भी गायब हो गया है। तो इसका मतलब मेरी नेट की कनेक्टिविटी आ गई है। अगर एथरनेट केबल के जो आइकन है एथरनेट का वहाँ पर कोई मेरा येलो साइन नहीं आ रहा तो मेरा काम करने लग गया है। तो देख लीजिए, अभी मैं दोबारा आप एक और चीज़ आपको खोल के दिखाऊंगा। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इंडिया की कैपिटल मारा और यहाँ पर खोल के देख लिया, देखिए ये न्यू दिल्ली दिखाने लग गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए और साथ ही जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देख लीजिए, जो मैंने ये आपको दिखाया है मेरा कंप्यूटर जो है, जो मेरा कंप्यूटर 32 बिट का है तो उसके ऊपर करके दिखाया है, तो इस चीज़ की आपकी श्योरिटी नहीं है कि अगर आपका 64 बिट का है तो ये फंक्शन भी उसमें काम करें। और एक और चीज़ है, आप देख लीजिए आपके जो लैन के एथरनेट के RJ45 है वो दोनों जो एक आपने जहाँ से आप कनेक्शन ले रहे हैं और आउट की दोनों सेम केबल जगह में लगी हुई है और यहाँ पर देख लीजिए एथरनेट आपका अनेबल होना चाहिए
और उसको अनेबल है, डिसेबल है, तो उसको अनेबल कर लीजिए। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपके कवर करने की कोशिश की है। तो देख लीजिए अभी मेरा नेट वर्क करने लग गया है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।